हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉग रंजसानू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं कवशेड जाके आई हूँ। वहाँ से लाई हूँ गोबर, जो खेतों में फेंकने जा रही हूँ, जहाँ पे हमने खेतों में जो है गोबर को स्टोर करने के लिए ईंट से बनाया हुआ है। तो मैं दिखाऊँगी आपको। हमने नहीं, सभी गाँव वालों ने ऐसे ही बना के रखे हैं अपने अपने खेतों में, जिसमें हम गोबर को स्टोर करके रखते हैं। देखिए गाइस, ये है वो गोबर को स्टोर करने वाला, छोटा से ईंट का बना कर रखा हुआ है उन्होंने। तो इसी में स्टोर करते हैं, और जब गेहूं का टाइम आता है तब हम यहीं से निकाल के इसे खेतों में फेंकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा नीचे का व्यू भी दिखाऊंगी कि कैसा है। और फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ना छोटा सा बगीचा मेरे हस्बैंड ने ही तैयार करके रखा है। उन्हें पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही शौक़ है। यहाँ पर उन्होंने अमरूद का, आम का और खुमानी का, एप्पल का और पता नहीं किस किस चीज़ के प्लांट लगा के रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे लगा के रखे हैं, और थोड़ी घास भी काटने के लिए हो गई है यहाँ पे। तो आज थोड़ी ज़्यादा मैं व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है आज, क्योंकि कल हमारे यहाँ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई है जो पता नहीं क्यों होगी, नहीं होनी चाहिए थी। मन बहुत ही उदास है उसकी वजह से, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ऐसा तो भगवान किसी के साथ ना करे। बिल्कुल दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया है। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ क्या चीज़ हुई है क्या नहीं, लेकिन चलिए मैं आपके लिए आगे का व्लॉग शेयर करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, अब मैं यहीं पे रख लूँगी जिसमें मैं गोबर लेके आई थी। हमारे यहाँ डल और टोकरू बोलते हैं, बाकी जगह भी कुछ बोलते होंगे, लेकिन ये हमारे यहाँ बोलते हैं। और ये रास्ता है थोड़ा नीचे ली साइड जा रही हूँ मैं, थोड़ा घूमने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए उसके लिए मैं जा रही हूँ थोड़ा घूमने के लिए। और सोचा साथ ही साथ, आज तो ना वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और कल जो मैंने पोस्ट करी थी वो तो मैंने पहले से ही एक दिन पहले की थी, तो आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ। और देखो कैसा मतलब हो गया है मेरा फेस भी ऐसा, मतलब टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो चीज़ हुई है वो कभी सोची भी नहीं थी कि ये चीज़ अचानक से हो जाएगी। तो ये देखिए आप आगे का व्यू। आज मौसम काफ़ी साफ है, लोगों को खेतों में काम करने का टाइम भी मिल गया है, क्योंकि बारिश होती है तो उसमें दिक्कत हो जाती है खेतों में काम करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ बैठी थी, तो यहाँ से जा रहे थे नानी जी, तो वो मुझे बोल रहे कि क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए सामने का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, और आसमान ना आज बिल्कुल साफ दिख रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे, ये देखिए आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये हमारे घर के दूसरे साइड का व्यू है। यहाँ पे हमारे यहाँ ना सीनरी बहुत अच्छी है, इधर उधर पहाड़ दिखते रहते हैं तो मन फ्रेश रहता है। हरियाली देख के तो वैसे भी मन सही हो जाता है, लेकिन जब टेंशन ज़्यादा हो जाती है तो मन भी सही से नहीं रहता है। तो आगे मैं दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे हमारे गांव के ही दादाजी हैं, उन्होंने मक्की लगा के रखी है, तो वो काफ़ी बड़ी हो गई है और इसमें घास भी हो गई है निकालने के लिए, तो जब उन्हें टाइम लगेगा वो निकालेंगे। अभी मैं चल पड़ी हूँ घर की तरफ, तो मैं आपको अपने देवर के बेटे से मिलाऊंगी। ये देखो ये खेल रहा है आंगन में, और बच्चों को अक्सर होता है ना कि पढ़ाई के बारे में पूछे तो वो इधर उधर भागने लग जाते हैं, तो ये इसके साथ हुआ। जब मैंने पूछा कि आपने पढ़ाई कर ली, तो वो अंदर रूम में चला गया। फिर उसके बाद मैं चली गई अपने कवशेड, वहाँ पर मैं मिलाऊँगी अपने मंगू से, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये देखिए पहुँच गई मैं, और ये इसका अंदाज़ है ऐसे देखने का, और बार बार आगे हो के देखती है कि मेरे साथ है। मुझे भी पता है, मुझे समझ नहीं आता है कुछ लोग अपने गायों को सड़क पे क्यों छोड़ देते हैं, जबकि मेरे मंगू है ये 6 साल से लगातार दूध दे रही है, वन टाइम मिल्किंग करते हैं हम इनकी, तो फिर भी हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि एक प्यार होता है अलग ही,
जिनको नहीं होता वो सड़कों पे छोड़ देते हैं। और देखो हमने दीवार पे ना उपले बना के रखे हुए हैं जिन्हें हम पानी गर्म करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरे मंगू जो बहुत ही शरारती और नटखट है। ये देखिए, अब मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा गौशाला के बाहर का थोड़ा सा व्यू, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी जब मैं घर की तरफ चल पड़ी। तो ये देखिए, यहाँ पे ना छोटी चाची जी ना खेतों से पत्ते लेके आए थे, तो जब गाय कहीं भी गीला गीला कर देते तो वहाँ पे बिछा देते। बस यही होती है हमारी लाइफ, किचन का शेड, घास लाना और खेतों का काम करना, बस इतनी सी।